हाँ जी हाँ जी भाई साहब, मैं मेरा चंडीगढ़ दे नाम तो असी चंडीगढ़ दे अंदर एक चंडीगढ़ मांगे मोर मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया 2009। असी ये अपने सारे भाइयों ये पूछना चाहते हैं, जेडे पढ़े लिखे लोग अपना वोट नहीं अदा करते हैं, असी उन्होंने गलबात करनी चाहते हैं भी तुसी वोट अदा क्यों नहीं करते हो। चंडीगढ़ की जिहड़ी परसेंटेज हैगी वोटां दी वो बहुत घट है, वो घट है, 51% असी वोटां करते हैं, बाकी दे जिहड़े 49% वोटां हैगियां वो कित्थे जांदियां। असी सिर्फ यही जागरूकता अभियान साडा हैगा जिहड़े नाल असी किसे पार्टी नाल नहीं रिलेटड हैगे, असी सिर्फ यही कहने वास्ते आए हैं, तुहानू अर्ज करन वास्ते आए हैं कि तुसी साडे बजुर्गों ने सानू इह अधिकार लैके दित्ता, बड़ी मुश्किल नाल सानू इह अधिकार मिलिया वोट पाउण दा राइट, ते असी अपनी वोट पाईए जरूर। ये बारे तुसी मैं तुहाडा शुभ नाम अशोक कुमार, अशोक कुमार जी मैं तुहानू इह पुछना चाहुंदा कि जिहड़ी तुसी वोट पाउंदे हो पाउंदे और ये वोट जी थी फैमिली कि वोटा है थोड़िया सारी वोटा बहुत काफ़ी वोटा सारे बंद वोटा पाते हैं सब पाते हैं ये पानी चाहिए ये बारे की कहना चाहते हैं ये बारे की कहना पाना चाहते हैं। हाँ जी अच्छा वोट पाते हैं हमेशा हमेशा पाते हो, बहुत मेहरबानी थोड़े ना गल करके अच्छा लगा। क्यों नहीं कर रही है? मैं इसलिए क्योंकि किसी के ऊपर हम फेथ नहीं कर पा रहे प्रॉपर, किसके ऊपर करें, पहले तो सबके इतने आश्वासन होते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या करते हैं ये लोग, कुछ नहीं करते, आते हैं जस्ट अपना और अपनी फैमिली का ही सोचते हैं या अपने जो भी उनके सर्कल में है, बाकी लोग तो कुछ भी नहीं होते, जस्ट एक वोट डाल दी उनको वोट मिल गई, अदरवाइज सारे जीरो हो जाते हैं। मैंने तो अभी तक इसीलिए नहीं की वोट, जब से मैंने लिया बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है, जब मिस्टर राजीव गांधी जी बने थे कि हमें मिला था फर्स्ट टाइम, हम 18 ईयर के हुए थे तभी, तो बड़ा अच्छा लगा था कि हम वोटिंग करेंगे पहले, बड़ा अच्छा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैम आपके क्या इश्यूज हैं जो आप चाहती हैं कि कवर हो? नहीं बट मेरे नहीं है, जनरल लोगों के, हर बंदा चाहता है कि हम जाएं, हमें जिसको हमने वोट किया कल को हमें जरूरत पड़े किसी काम के लिए वो हमारे साथ चल सके, हमारे लिए जब भी हेल्प पड़े तो वो उनके साथ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, पर तब उनके होते हैं जी, पहले तो उनको कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती, लोग बाहर से ही धक्के दे देते हैं कि आप वो कौन हूँ और जो यही वो पूछा जाता है कि आप कौन हो, मतलब हर ले मैन की हिम्मत नहीं होती कि वो किसी के पास जा सके, फिर तो वो एक समझो कि वो राजा बन जाता है, बाकी लोग पर जा के बिल्कुल भी नीचे आ जाते हैं। दैट्स ऑल। डॉक्टर रजनी, मेरा पंजाब में वोट है। तो आप कर रही हैं वहाँ? हाँ जी बिल्कुल। मैम आपको क्या लगता है कि वोटिंग इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल है क्योंकि वो हमारे यहाँ भारत के लिए जैसे कि वो कर रहे हैं, जैसे जैसे सरकार बन रही है बदलती है तो नेचुरल उसकी बात है कि बननी और बदलने तो होनी चाहिए, तो भी जो वोटिंग हो रही है तो नेचुरल होनी चाहिए आगे के आगे, जब हर साल होती है तो वही साल भी होनी चाहिए। वेलकम। परमजीत कौर, दीप कपूर, यस। सर लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, सर आप वोट कर रहे हैं? हाँ वोट करेंगे जी, जरूर करेंगे, वोट क्यों नहीं करेंगे। सर आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? फैमिली में 6 मेंबर हैं। सर 6 के 6 वोट कर रहे हैं? हाँ जी सब करेंगे जी, जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। सर क्यों? क्योंकि देखो देश को चलाना है, अच्छी पार्टी एक देश में लानी है जो देश को चलाएगी, उसके लिए वोट देना बहुत जरूरी है, पार्टी का सिलेक्ट हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम लोगों ने ही करना। अपन इस पे टेलीविजन पे तो बताई नहीं जाएंगी, वो हमारे अंदर है, जो भी चीज़ एक नेता में देखी जाती है हम खुद देख के उसको वोट करते हैं। ओके। हाँ जी हाँ जी। सर आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार जी। अशोक कुमार, सर आप वोट कर रहे हैं? हाँ जी हर साल करते हैं, हर 5 साल बाद जॉब भी जाती है। सर आपके क्या इश्यूज होते हैं, आपके इश्यूज को सपोर्ट करते हैं? इशू जो हमारे लिए हमारी बात सुने, जो हमारी बात जाके जा जाए मिले हमें, तब उनको इशू हमारी बताएं वो करें, उसके लिए जो इशू समस्या जो हो वो सुनेगा हम उसको वोट करें, और बाकी ये मेरा यही कहना है बाकी वोट सभी को करनी चाहिए, ये ज़रूरी है, उनका हक बनता है कि आधा घंटा लगेगा सारा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, धूप की वजह से नहीं नहीं कि नहीं करनी वोट। बहुत आजकल यंग जनरेशन है काफ़ी पढ़ी लिखी है पर वोटिंग को वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उनके कई अपने मसले होंगे, जैसे उनकी कोई ये है कि ये जिसको मर्जी जता लो कि किसी ने हमारी बात सुननी नहीं है, उनके दिमाग में ये बैठा ये निकालना पड़ेगा कि आपको कोई ऐसी बात नहीं, वोट डालो, आपकी कोई समस्या होगी तो हम दूर करें, कोई नेता आके आके बात करें उनसे,
बस यही इशू है। भाई साहब मैं मेरा चंडीगढ़ तो असी कैंपेन कर रहे हैं चंडीगढ़ मांगे मोर के नाम तो वो असी जागरूकता अभियान शुरू किया वोटरस का भाई वोटर जड़े वोट जरूर करन अपनी वोट का जोड़ा मताधिकार सू मिले बड़ी मुश्किल के नाल साढ़े बजुर्गों ने लैके दिता है वह अपनी वोट का जोड़ा अधिकार है वनू यूज़ करते हैं कि नहीं करते। मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा अपना शुभ नाम इंद्रदीप इंद्रदीप है जी। हाँ इंद्रदीप जी कि तुहाड़ी वोट हैगी चंडीगढ़? हाँ जी सर मेरी वोट हैगी। तुसी वोट करते हो? मैं बिल्कुल वोट करदा जी। बहुत अच्छी गल है। तुहाडे परिवार च होर कितनी वोटां हैगी? मेरे फादर मदर मेरी वाइफ दी हैगी। हाँ जी सारे वोट करते सारे वोट करते हैं जी जरूर वोट करके। अच्छी गल है साडा यही अभियान है कि सारे नु असी यही एडवाइस करिए कि अपनी वोट जड़ी है करन जरूर करन जी वोट जरूर करनी चाहिए है तो इतना ही देश की तरक्की हैगी है अपनी सोच के अनुसार जेड़ा अच्छा कैंडिडेट तुहानू लगे ओनू वोट करना बिल्कुल जी बिल्कुल ओनू ही करना चाहिए जो तुहाडी तुहाडे एरिया डिवेलपमेंट कर रहा है तुहाडे देश नु वधा रहा है तो देखो उस हिसाब नाल तुसी अपने वोट तुहानू जरूर करनी चाहिए। बहुत बहुत मेहरबानी तुहाडे नाल गल करके बहुत अच्छा लगे। मैम आपका नाम? प्रियंका जैन। प्रियंका जैन मैम आप वोट कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं। हम वोट इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम सही सरकार चुन सके और हम कांग्रेस को करना चाहते हैंगे क्योंकि शुरू से ही हम सोनिया गांधी राजीव गांधी की तरफ से हैं हम इंदिरा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस है इसलिए हम सोनिया गांधी को ही करेंगे वोट कांग्रेस को ही। और आपका नाम? तो अगर उन्हें अपना सही सरकार चलना और वो चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे उन्नति करे तो हर इंसान को वोट देना चाहिए। हर इंसान को यह है कि वो सही नेता चुन सके और हमारे देश की तरक्की के लिए सोच सके। अगर हमारे देश के युवा ही नहीं अगर ये सोचेंगे तो फिर हमारे देश के नेता क्या करेंगे? वो तो ये चाहते ही है कि अगर युवा इतना ना सोचे लेकिन युवा को हर बात को सोचना चाहिए। वोट तो विशाल। हाँ जी सर आप वोट कर रहे हैं? हम तो वोट करेंगे जरूर। फैमिली में सब मेंबर्स सब करेंगे? हाँ जी हाँ जी जरूर बिल्कुल वोट तो बहुत जरूरी है करनी चाहिए। आपकी मैसेज तो वोट करना बहुत जरूरी है आपका हक बनता है वोट करना आपकी अपनी गवर्नमेंट खड़ी होनी चाहिए इसलिए आपको फायदा होगा उससे। बाकी हर कोई अपनी जिम्मेदारी वोट देना बहुत जरूरी है। बाकी अब जो नहीं देता है उसकी प्रॉब्लम है क्यों नहीं देता वो बाकी बस हम तो जरूर दे देंगे वोट हमारा हक बनता है वोट दे देंगे। थैंक यू।